टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए हमें चाहिए मल्टी कलर टूटी फ्रूटी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, रिफाइंड ऑयल, दूध, 2 अंडे, मैदा और पिसी हुई चीनी और 1 चम्मच वेनिला एसेंस। सबसे पहले हमें केक के मोल्ड को मैदा से डस्ट कर लेना है। डस्ट हमें प्रॉपरली करना है वरना हमारा केक जो है वो चिपक जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने डस्ट किया है, आप चाहें तो ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पतीले में 1 कटोरी नमक डालकर उसे प्रीहीट कर लेंगे। इस नमक को डालने के बाद हमें अच्छे से चारों तरफ फैला देना है। जब नमक अच्छे से फैल जाए तब इसके अंदर हमें एक स्टैंड को प्लेस कर देना है और फिर इसे ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेना है। अब मल्टी कलर्ड टूटी फ्रूटी को 1 चम्मच मैदा डालकर डस्ट कर लेंगे। अब एक बड़े बाउल में रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, उसमें पाउडर्ड चीनी भी डाल देंगे और दोनों को रिफाइंड ऑयल और पाउडर चीनी को अच्छे से बीटर से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते करते 4 से 5 मिनट तक हमें फेंट लेना है और फेंटते फेंटते इसे एक स्मूथ क्रीमी मिक्सचर बना लेना है। जब स्मूथ क्रीमी मिक्सचर बन जाए तब हम इसमें एक एक करके अंडे ऐड करेंगे। अंडे एक साथ में ऐड नहीं करना है, पहले एक अंडा ऐड करके उसे अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद जब ये मिक्स हो जाए तब हमें दूसरा अंडा इसमें मिक्स कर देना है। अब एक बार फिर से अच्छे से बीटर की हेल्प से बीट करते हुए इन अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 5 से 10 मिनट तक फेंटते फेंटते जब ये एक अच्छा सा स्मूथ क्रीमी मिक्सचर बन जाए तब हम इसमें वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे। वेनिला एसेंस ऐड करने के बाद एक बार फिर से इसे हमें बीट कर लेना है और अच्छे से वेनिला एसेंस को इस मिक्सचर में मिक्स कर लेना है। अब छन्नी से छानते हुए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इस बैटर में मिक्स कर देंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड का मेथड यूज़ करते हुए मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल चुके हैं, इसीलिए अब हमें इसे ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना है वरना जितनी भी हवा इसके अंदर बनी होगी वो सारी हवा इसमें से निकल जाएगी। अब इसमें थोड़ा दूध ऐड कर देंगे। दोस्तों हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते करते मिक्स करते रहेंगे जब तक कि इस बैटर की कंसिस्टेंसी रिबन जैसी ना हो जाए। दोस्तों इस बैटर में लगभग मैं 1/4 कप दूध ऐड कर चुकी हूँ और अब 1/4 कप दूध ऐड करने के बाद इस बैटर का कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन जैसा हो गया है और इसका मतलब ये है कि बैटर जो है केक का वो रेडी हो चुका है। अब लास्ट में हम मैदा में डस्ट किया हुआ मल्टी कलर टूटी फ्रूटी इस बैटर में ऐड कर देंगे और बैटर को फिर से अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। केक का बैटर रेडी हो चुका है, अब इसे केक के मोल्ड में डाल देंगे। केक के बैटर को डालने के बाद हम केक के मोल्ड को अच्छे से 4 से 5 बार टैप कर लेंगे। अच्छे से टैप करने के बाद हम इस बैटर के ऊपर थोड़ा सा टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। अब इस बैटर को प्रीहीटेड पतीले के अंदर बेक करने रख देंगे।
केक को बेक होने में लगभग 35 से 40 मिनट का समय लगेगा। 35 मिनट बाद एक बार केक को चेक कर लेंगे। अगर नाइफ साफ निकलती है तो इसका मतलब है केक अच्छे से बेक हो चुका है, और अगर गीला निकले तो 5 से 10 मिनट तक और भी बेक कर लें। ठंडा होने पर केक को बाहर निकाल लें और एक चाकू की हेल्प से इसके कॉर्नर्स को छुड़ा लें। कॉर्नर्स अच्छे से छूट जाने के बाद इसे एक प्लेट पे डीमोल्ड कर लें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। दोस्तों, आप भी जब बेकिंग करें तो इन्हीं प्रोसीजर और टिप्स को फॉलो करें, इससे आपका भी केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। सबसे पहला टिप, आपको अपने बर्तन को प्रॉपरली प्रीहीट करना है, चाहे पतीला हो या कुकर, आपको उसे अच्छे से प्रीहीट करना है। ज़्यादा भी हीट नहीं हो जाना चाहिए, उससे आपका केक बहुत ज़्यादा फूल जाएगा और उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, और कम भी नहीं होना चाहिए, उससे आपका केक फूलेगा नहीं और ना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। दूसरा टिप, इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट और प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरा टिप, जब भी आप बैटर की मिक्सिंग करें वो मिक्सिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप भी इन प्रोसीजर और टिप्स को फॉलो करते हुए ये टेस्टी और डिलीशियस टूटी फूटी केक ज़रूर घर पर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आई होप ये केक की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।